The द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 in two years इन 4% per एट the interest पर compounded half द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयर क्वेश्चन में क्या कह रहा है टाइम कितना है Two years का टाइम पीरियड है ये क्लियर है बच्चों लेकिन two years के टाइम में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हुआ है तो हमारा जो न्यू ईयर होगा ना वो कितने दिन का हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों सिक्स मंथ का सिक्स मंथ का फोर ईयर जैसा टाइम बिहेव करेगा ये क्लियर है और इनिशियली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था फोर परसेंट है फोर परसेंट के को रेशियो टर्म्स में चेंज करो तो कितना होगा वो होगा वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव लेकिन ये फोर परसेंट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट था अगर आप सिक्स मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा इसका हाफ जैसे ही आपने टाइम को हाफ किया है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा तो अब वो हो जाएगा टू परसेंट और दैट इंप्लाई वन अपॉन फिफ्टी इट मीन शुरू में ट्वेंटी फाइव रुपीज पे वन रुपीज का इंटरेस्ट मिलता था बाद में अब पचास पे एक रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा ये क्लियर है हमें अमाउंट निकालना है इंटरेस्ट का तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम सक्सेसिव इंक्रीज का यूज करते हैं तो हमारा इनिशियल वैल्यू कितना था बच्चों वो था टेन थाउजेंड उसपे अब कैसे फैक्टर आएगा चार फैक्टर आएगा सिक्स मंथ के लिए सिक्स मंथ के लिए सिक्स के लिए और सिक्स मंथ के लिए और पचास रुपए का वैल्यू एक रुपए से बढ़ केवन बाई फिफ्टी इंटू इक्यावन बाई फिफ्टी इंटू फिफ्टी वन अपॉन फिफ्टी इंटू फिफ्टी वन अपॉइन फिफ्टी यह फोर टाइम होगा ये फोर जीरो से फोर जीरो फोर जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा ये सारा खत्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली अमाउंट जो आएगा वो कितना होगा वो होगा 51 स्क्वायर और पर 51 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 25 देखो अब यहाँ पे मेन रोल प्ले होता है कैलकुलेशन का अगर 51 का स्क्वायर मुझसे पूछा तो मैं तो सीधे स्ट्रेट अवे दूंगा बच्चों ये होगा 2601 2601 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 25 25 देखो ये डायरेक्ट टू सिक्स जीरो लिखा है उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है वहां पे आप देखो कि कैसे रूट फाइंड आउट करते हैं। वो थोड़ा सा देखो इसको आप सिंपल तरीके से डिवाइड कर सकते हो आपको पता है ट्वेंटी इंटू फोर कितना होता है हंड्रेड के तो यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड है तो ट्वेंटी सिक्स इंटू फोर उतना ट्वेंटी फाइव होगा तो सिंपली आप लिखोगे वन जीरो उसके बाद बचा कितना वन तो वन को ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करोगे तो ये यह बच्चे तो second term इसको भी करोगे तो क्या मिलेगा हंड्रेड एंड और शॉर्टकट है into इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं इसका भी लिंक में वीडियो देता हूं आप डिस्क्रिप्शन में आप वहां पे जाके देखना जब कभी भी इस तरह नंबर इस तरह के नंबर का स्क्वायर करना है तो आप इंटीग्रल पार्ट का स्क्वायर कर लो इंटीग्रल मतलब जो फ्रैक्शन में नहीं है तो यहाँ पे आप 104 को स्क्वायर कर लो और जो भी फ्रैक्शन पार्ट था जैसे यहाँ पे 04 है तो इसको डबल कर दो तो 04 का डबल कितना होगा 8 परसेंट और 8 परसेंट किसका निकालोगे जो इंटीग्रल वैल्यू है तो 8 परसेंट ऑफ हो जाएगा 104 तो बच्चों अगर 104 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू होता है 108 और 16 अब फिर आपको लग रहा होगा कि यहां पे मैंने स्क्वायर कैसे कर दिया तो फिर मेरा वही जवाब है कि आप उस वीडियो को देखो कैसे इस नंबर को हम इजिली स्क्वायर कर देते हैं सिंपल सा स्क्वायर का तरीका होता है हंड्रेड एंड फोर प्लस फोर और स्लैश फोर का स्क्वायर सिक्सटीन तो ये वैल्यू आता है हंड्रेड एंड एट और सिक्सटीन लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया मैंने वो मैंने पूरा डिटेल में बताया अब आपको दूसरा टर्म क्या मिलेगा 8% ऑफ 104 तो 100 का 8% कितना होगा 8 और 4 का 8% कितना होगा 0.32 तो जो टोटल वैल्यू आएगा वो आएगा कितना 16 और 8, 24 तो ये आ जाएगा बच्चों 10824.32 तो ये तो टोटल अमाउंट था तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा -10000 करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा सिंपली 824.32 दैट इंप्लाई ऑप्शन नंबर टू अगर आपको स्क्वायर निकालना परसेंटेज फ्रैक्शनल नंबर का स्क्वायर निकालना ये सब आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रिसाइजली डेसिमल के पॉइंट तक आप कैलकुलेट करके करेक्टली कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हो तो इस क्वेश्चन को पूरा समझने के लिए आप दो वीडियो को जरूर देखना जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.